झारखंड राज्य असंगठित मजदूर कांग्रेस शाखा चिकित्सा विभाग के बैनर तले बुधवार को आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी व मजदूरों ने रैली निकालते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह व अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा कर रहे थे। इस दौरान राज्य असंगठित मजदूरों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर झंडा मैदान से रैली प्रारंभ करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुँचे। गंतव्य तक पहुंचते ही रैली सभा के रूप में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर मजदूर कर्मचारी का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कहा कि आउटसोर्सिंग से हो रहे कामों में विभागीय पदाधिकारी व ठेकेदारों द्वारा चरम स्थिति पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, साथ ही मजदूरों के नाम पर गलत बिल बनाया जा रहा है। इन गलत नीतियों का मजदूरों द्वारा विरोध करने पर हटाने की धमकी दी जा रही है एवं जानबूझकर परेशान करने के लिए भुगतान में बेड़ियां डाला जा रहा है। मौके पर महावीर हरिजन, मेकल कुमार, रवि रजक, ललिता देवी, मालती रविदास आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चक्कर में हमारी संखनाद है, दुनिया के मजदूरों प्रथा बंद करो। झारखंड असंगठित मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में चिकित्सा विभाग गिरिडीह में कार्यरत 350 मजदूर कर्मचारी की ओर से यह रैली निकाला गया है और यह रैली लेकर शहर के मार्गों से घूमते हुए हम लोग उपायुक्त को संलेख देंगे। हमारी पीड़ा यह है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारा आर्थिक शोषण होता है और राज्य का खजाना भी लूटा जाता है। 2 आदमी का पेमेंट लेता है, 1 आदमी को पेमेंट देता है और उस आदमी का पेमेंट भी 7 महीने, 6 महीने, कहीं 2 महीने तक बाकी रखता है। जो पीएफ काटा जाता है हमारे फंड से, वह पीएफ भी खा जाता है और अपना प्रबंधन का हिस्सा भी नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग तमाम लोग आज आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और उपायुक्त जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में 3 ठेकेदार है, अन्नपूर्णा लिमिटेड है, शिवाजी है, बालाजी है, तीनों के विरुद्ध आर्थिक गबन के विरोध में प्राथमिकी दर्ज किया जाए, पीएफ गबन के विरोध में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। और राज्य सरकार से मांग है कि अगर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था जो सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त करो और जब तक समाप्त नहीं करते हो मजदूर कर्मचारी का वेतन विभाग के माध्यम से भुगतान करो और ठेकेदार को कमीशन दो, अन्यथा हम लगातार आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते रहेंगे और भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे समूचे देश में आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था है यह भ्रष्टाचार का कड़ी है। मोदी जी साफ सुथरा अगर चेहरा दिखाना चाहते हो तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करो, निजीकरण नहीं चलेगा। जुलम के टक्कर में संघर्ष हमारा जा रहा है।